देखिए सबसे अच्छी सरकार तो सभी के लिए बसपा है। कोई दंगे, सबसे कम दंगे उसमें हुए, सबसे कम अमला, गन्ने का रेट सबसे अच्छा दिया उसने। बस सरकार तो बनेगी लखनऊ में, लेकिन सहारनपुर में मायावती से अच्छा ना तो काम पहले किसी ने किया और ना अब कराया कोई। सहारनपुर से नंबर ही सहारनपुर का मायावती से है। और बहन जी जो है ना, इसकी जो सहारनपुर को बहन जो ने दिया, किसी ने इतना नहीं आज तक दिया जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ। मेडिकल कॉलेज यहाँ है, स्पोर्ट कॉलेज यहाँ है, तो इतना तो बहन जी ने जितना भी किया सहारनपुर में, मेडिकल वो कमिश्नरी बहन जी ने बनवाई, सब कुछ बहन जी ने कराया यहाँ तो। सर, काम कोई पूछता भी नहीं क्या? एक से एक मिनट बात करना। हाँ, काम सौट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर 2017 में क्या हुआ? 2017 में तो ये हुआ कि पहले जो सरकार समाजवादी की थी वो विचलित हुई थी, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ था मामला। सर, एक हवा चलाई जा रही है कि इस बार अगर बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट दे। नहीं, वो मुस्लिम समाज से, हम सहारनपुर से हैं, हमारे सहारनपुर में जो हवा है वो नहीं है। सहारनपुर में हवा सपा की नहीं, सभा में सहारनपुर में हवा नहीं है। तो योगी जी के काम से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, योगी से, योगी ने क्या किया बताओ हमें? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बिल्कुल बैक फुट पर पड़े हैं, उनके ना इधर पड़े रहे हैं, जैसे जानवर की पुंछड़ों में जैसे समझे वो लोग। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सबसे मुद्दा में बेहतरीन ये है कि अमन का मुद्दा है। अगर योगी जी को क्या नाम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी बढ़िया थी, वो क्यों नहीं पसंद करी लोगों ने? मुस्लिम समाजवाद सहारनपुर का जो है वो बहन जी के साथ है। बहन जी के साथ? बहन जी के साथ है। पक्का? पक्का, और क्या, कच्चे का क्या काम? हमें भीख मंगे बनाओ क्या? भीख मंगवा लो ना, हमें किसानों को कोई रेट ना दो, हमें किसानों को किसी चीज का रेट ना दो, हम भीख मांगने लगे क्या आगे बताओ? भीख मांगे हम इन पे, ये हमें अनुदान दे रहे, हमें सम्मान राशि दे रहे, हमारे किसी चीज का रेट तो हमें दे नहीं रहे, हमें किसी चीज का रेट नहीं दे रहे, हमें भीख दे रहे, हम भीख मांगे, हम भीख मांगने वाले, हम मेहनत कमा कमा कर मर जाओ, भूखे कमा ले मेहनत करके, लेकिन भीख नहीं मांगने के, हम राशन दे रहे, कोई भीख मांगना काम करेंगे हम, हमारी चीज का रेट दो हमें। लेकिन सर योगी जी ना, हमें गन्ने का रेट लगा, गेहूँ हमारे सड़े, धान हमारा सड़े, कोई रेट नहीं। शिक्षा जो है वो अमीर लोगों को कर दी, गरीब लोग सब गए साफ हो गए, सब लोग मोबाइल जिस पर कहते 50,000 का सिस्टम है कर लो छुट्टी, ना लोग पढ़ेंगे ना रोजगार मांगेंगे। कानून व्यवस्था तो बहन जी की सरकार में भी अच्छी थी। हाँ, बहन जी की सरकार में अच्छी थी, जब जाके यहाँ से लोग भाग लगे हुए हैं। अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था? अखिलेश की सरकार में भी ठीक ही रही, थोड़ा काम की बात रही, काम थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ सहारनपुर के लिए जितना अच्छा ये बहन जी ने किया। लेकिन कहा जाता अखिलेश सरकार में दंगे होते हैं? नहीं, अखिलेश सरकार में कहाँ दंगे हुए, वो मुजफ्फरनगर दंगा है कि उस तरह छुट मुट दी, आज तक जिससे आजादी हुई तब तक आज तक दंगे होते आ रहे हैं। ज्यादा रजिस्टर्ड दंगे हैं इनकी सरकार? हाँ, तो ऐसा ही है, वो तो सब में हो, दंगे तो सब में होते हैं, थोड़े थोड़े सब में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात योगी जी की, योगी जी ने तो एक को ठोक दिया, एक को खोल दिया, फिर दंगा कैसे होगा? ठोकने वाली नीति से परेशान है लोग। नहीं, जब एक को ठोक दिया जमीन में, एक को खोल दिया, दंगा किसी के साथ हो जाएगा? फिर दो थे ही, कौन करता है दंगे? दोनों जब चीज कोई दो आदमी, जो चीज दो जानवर हो या दो आदमी हो, तब लड़ेंगे तो जब उनके हाथ खुले हुए होंगे। वो दो आदमी वो तो है जो है, सभी लोग जाने हैं, मैं क्या बताऊंगा। उत्तर प्रदेश या गन्ने के लिए जाना जाता है? हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए तो सबसे अच्छा बहन जी ने जो किया, ऐसा किसी ने नहीं बढ़ा गन्ने का जी, बहन जी के छह गन्ने का रेट किसी ने अच्छे नहीं दिया। तो फिर बहन जी को वोट क्यों नहीं मिला? अरे बहन जी को वोट दे नहीं रहे, अरे ये तो पीछे कहीं मशीनों की गड़बड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसमें क्या करना है सब। चंद्रशेखर यहाँ कुछ नहीं, जीरो हो गया, वो तो था पहले लेकिन अब जीरो है। सर, यहाँ सभीपुर में कांड हुआ था, जो घटना हुई थी उसको लेकर बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। तो दलित समाज आज ऐसे जुड़ा हुआ, जैसे वेल्डिंग करते हैं छूट नहीं सकता, बिल्कुल। कहा जा रहा है दलित समाज बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, सवाल ही पता नहीं होता है एक भी वोट नसीब होने का, ये भूल है। मुस्लिम दलित इकट्ठे हो चुके सब। योगी जी कह रहे हमने गुंडे भगा दिए यूपी से। कहाँ भगा दिए? कहाँ भगा दिए? हमारे देश में तो कहे दूसरी जगहों में भाई, भगा दिए कहाँ में बताओ? कह रहे प्रदेश छोड़ के भाग गए। नहीं, अगर वो दूसरी जगह भाग के वहाँ जा करेंगे, बलात्कार कर रहे हैं, गुंडे तो नहीं है भाई। भाई वो कहाँ भगा दिया मैंने तो बताओ, अगर दूसरे प्रदेश में गए वहाँ जा करेंगे। इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तो गन्ने का रेट नहीं आज तक बढ़ा, यहाँ के किसान परेशान है। 25 रुपए में, और रेट वो तेल का रेट कितना बढ़ा हुआ, 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, दुगुना हो गया। गैस, गैस। अच्छा, और गैस सिलेंडर जब ये सरकार आई 400 रुपए था। अरे फिर आप ही बोल लो,
भाई बात ऐसी, आप रही बात रोजगार की, जब कारोबार खत्म होएगा रोजगार खत्म होएगा। जैसा कभी कांग्रेस सरकार को, जैसा कांग्रेस सरकार को कभी इमरजेंसी लेकर डूबी थी ना, अब इसे यहाँ की सरकार को लोग तो लेकर डूब रहा, वो क्या नाम और क्या नाम गठबंधन और जी क्या नाम ये क्या लॉकडाउन, ये सरकार को लेकर डूब रहे। लेकिन सर गन्ने का पेमेंट तो कर रही है ना सरकार, कहाँ करे, अब दे दो हमें, अरे हमारा 5 साल का रुका पड़ा, उसका क्या होगा। तो जब 25 रुपए बढ़ाए उससे खुश नहीं है, क्या खुश है उससे, हमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, 25 में तो कुछ भी नहीं होता, 25 से ज्यादा लेबर पड़ेगी। सर ओबीसी भी आ रहे हैं मैदान में, नहीं ओबीसी देखो बात सुन लो, ओबीसी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ओबीसी साहब आएंगे समझे जी, आओ उनका स्वागत है, लेकिन वोट नहीं है उनके यहाँ, वोट नहीं है उनके। जब कभी कोई पहले नहीं गया, कोई काम नहीं देखा पब्लिक ने, कुछ नहीं देखा, फिर क्या वोट कैसे देंगे। हाँ नए नए हैं बिल्कुल, तो अभी सेवा करो हमें यहाँ के लोगों की। और वो तो कहते हैं मैं मुस्लिम समाज के मसाइलों के मुद्दे सारे उठाता हूं। नहीं मुद्दे तो उठा रहे वो, लेकिन उनमें कुछ करा तो नहीं, तक करके दिखाओगे जब भी तो मुस्लिम समाज आएगा, तो मुस्लिम समाज वोट नहीं देगा ओबीसी को। नहीं ओबीसी को 1% कोई चले जाएगा, तो खड़े भी हैं उनके नाम से, फिर चुनाव तो लड़ रहे हैं ना वो भी सर। हाँ वो भी लड़ रहे हो, वो भी मुस्लिम है, और उनके कैंडिडेट जो खड़े वो भी मुस्लिम खड़े, ज्यादातर एक कैंडिडेट है बस। सर एक बहका माहौल जो बनाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है सर उसमें? कैसा जी, जो एक प्रदेश में बहका माहौल बनाया जा रहा है उसमें बहका बह डर का माहौल सर? नहीं डर का माहौल तो बना हुआ पिछली सरकार में था, वो तो मैंने बता दिया आपको, एक को तो बांध दिया ठोक दिया, एक को खोल दिया, दंगे होने ही नहीं फिर तो। भाजपा कह रही है महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, आज महिला शिक्षित सुरक्षित पहले भी सुरक्षित थी, बताओ पहले क्या था, बलात्कार का रेट तो देखो, बलात्कार कितने हो रहे उत्तर प्रदेश में, पहले सुरक्षित थी, पहले भी सुरक्षित थी आज भी सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित थी आज भी सुरक्षित है, छोटे मोटे कांड जैसे अब उससे पहले भी हाथरस हुए, आप ये क्या नाम एक और था वो कांड क्या था, उन्नाव कांड, ये सब कांड अब नहीं हो रहे, रोजगार मांगे तो जब वहाँ जहाँ जहाँ मिले, जब मांगेंगे तो जमीन बजी में देंगे। मुद्दों पे वोट तो होता नहीं ना, रोजगार वोट सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पब्लिक के दिमाग में सब चीजें हैं। मंदिर पे वोट तो फिर सरकार मंदिर पे क्यों वोट मांग रही है, मंदिर यूँ बताओ मंदिर में पूजा करने जाएंगे, पूजा तो छप्पर में भी हो सके, भगवान तो वहाँ भी है, खुदा छप्पर में मिल सके, नमाज वहाँ पढ़ सके, लेकिन मतलब मंदिर के बहाने से वोट थोड़ा मिलेगा, कुछ लोग हैं भक्ति लोग हैं वो दे देंगे बस। गन्ना चलेगा इस बार, जिन्ना चलेगा? जिन्ना क्या मतलब, जिन्ना तो निमट गया था पाकिस्तान के टाइम पे, उसका क्या जिक्र भी है, मुद्दा बहुत बड़ा है गन्ना जिन्ना। नहीं वही बात, जिन्ना तो खम्मा खा ले रहे आप लोग बना रहे सब बीजेपी वाले, जिन्ने का क्या मतलब, जिन्ना तो कश्मीर अपना पाकिस्तान लेके चला गया। अखिलेश यादव जी को याद आ रहे हैं जिन्ना जी? जब उन्होंने आजादी के लिए काम किया था उस वक्त की बात याद आती होगी उनके, आजादी के लिए जब उन्होंने काम किया तब उस वक्त की बात याद आती होगी, उस वक्त सब लोग मिलकर चल रहे थे, जब उन्होंने पाकिस्तान ले लिया वहाँ चले गए, अब यहाँ क्या उनका। मुस्लिम समाज क्या चाहता है? मुस्लिम समाज अमन की सरकार चाहता है, रोजगार देने वाली सरकार चाहता है, गन्ने का किसानों का अच्छी चीज देने वाली सरकार चाहता है, दलितों को सुरक्षा देने की सरकार चाहता है, सब लोग मुस्लिम ऐसे हैं क्योंकि मुस्लिम और दलित बराबर हो चुका। सर पलायन का मुद्दा बड़ा तेजी से, पलायन कोई नहीं है, पलायन कोई नहीं है, कारोबार के लिए मैं भी चला जाऊँ, कहीं मुजफ्फरनगर चले जाऊँ, कहीं और चला जाऊं, लेकिन प्लान कोई नहीं। बच्चे सब पढ़े अपने बाहर जा रहे हैं। किसान मुद्दा कितना हावी रहेगा जो आंदोलन चलाए एक साल? ये टोटल इसने तो सारा दुख ही बदला, सारा मुद्दा यही हावी रहना, इसने टोटल दुख बदला, अन्य बीजेपी तो यहाँ से क्या नाम जाटों को हिंदू बना कर एक साल पहले रही थी। तो लोक दल कर सपा का तो गठबंधन हो गया फिर तो, वो ही आगे रहेंगे। हाँ तो वो बाहर की बात करो, हम सहारनपुर की बात कर रहे हैं। हाँ। सहारनपुर में गठबंधन बीजेपी का कोई हवा नहीं है? सहारनपुर में बीजेपी का तो कोई हवा ही नहीं है, बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ, यहाँ तो समाजवादी और बसपा, समाजवादी और बसपा। हाँ बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं। योगी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? किसने? इस साल में कोई काम नहीं, हम एक बात सुन लो, क्या काम अच्छा किया मैं बताओ तुम्हें, आपकी नजर हमारे यहाँ तो कोई नहीं काम हुआ, गैस पर पैसे बढ़े, तेल पर बढ़े, हमें कोई काम नहीं अच्छा है हमारे यहाँ, कोई काम अच्छा ना, कोई काम नहीं अच्छा।